हेलो गाइस, दिस इज वीरेंद्र सिंह एंड वेलकम बैक टू मास्टर कैम मिल 3D ट्यूटोरियल्स एंड टूल पाथ्स। हेलो गाइस, दिस इज वीरेंद्र सिंह एंड वेलकम बैक टू मास्टर कैम मिल 3D ट्यूटोरियल्स एंड टूल पाथ्स। मास्टर कैम ये हमारा 8th ट्यूटोरियल वीडियो है और इस वीडियो में हम दो पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप ये सरफेस मॉडल बना सकते हैं मास्टर कैम के अंदर, और इसके अगले वीडियो में मैं बात करूँगा कि किस तरीके से आप इस पार्ट के लिए फिनिशिंग ऑपरेशन क्रिएट कर सकते हैं मास्टर कैम के अंदर। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि किस तरीके से आपको ये पार्ट हैं जो सरफेस मॉडल किस तरीके से आप इसमें अंदर क्रिएट कर सकते हो, वो हम वन बाई वन स्टेप करते हुए पूरा का पूरा पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें बेसिक से स्टार्ट करना है और कहाँ पर हम इस तरीके इस कंप्लीट पार्ट को बना सकते हैं। इस पार्ट को बनाने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स भी यूज़ करनी पड़ेगी, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी आपको ट्रिक्स यूज़ करनी है जिनकी मदद से आपको ये पार्ट ईजिली क्रिएट कर सकते हो। तो इस सरफेस मॉडल को बनाने के लिए जैसा हमारा 7th ट्यूटोरियल था, लगभग उसी तरीके से हमारा ये पार्ट बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस पार्ट के लिए ड्राइंग दिखा दूँ जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखना चाहें इस ड्राइंग को तो यहाँ पर भी मैं आपको यहाँ पर ड्राइंग आपको शो कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग दिखा करके समझाना चाहूँगा कि ड्राइंग क्या कहता है। तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं, इसका ओडी का जो मैक्सिमम डायमीटर है वो है 111.5 एंड जो इसकी मैक्सिमम थिकनेस है वो है 22। यहाँ पर बाकी जितनी भी मुझे रिक्वायर्ड डायमेंशन हैं सारी की सारी डायमेंशन दे रखी है, चाहे इसके लिए जो मेरा पॉकेट है उसका एंगल हो, पॉकेट की डीप हो, पॉकेट के अंदर का रेडियस हो, बाहर का ये जो पोर्शन इसका रेडियस हो, यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसके लिए जो रेडियस हो, इसका ड्राफ्ट एंगल हो, सारे के सारे जो भी पैरामीटर्स हैं मुझे यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जब इस पार्ट को आप बनाएं मास्टर कैम में, तो सबसे पहले तो इस ड्राइंग को आप प्रॉपर समझ लें। साथ ही मैं आप सभी से जो भी पर्सन इस वीडियो को देख रहा है उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप ये कम्प्लीटली वीडियो देख ले, या फिर मैं जानना चाहता हूँ कि किस किस पर्सन ने इस वीडियो को देख करके ये हमारा जो पार्ट है सरफेस मॉडल क्रिएट किया है। तो आइए बिल्कुल अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप मास्टर कैम के अंदर ये सरफेस मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जाऊँगा फाइल, न्यू एंड डोंट सेव। तो यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं मेरे पास एक नया मास्टर कैम की फाइल जो है ओपन हो गई है। तो आइए सबसे पहले मैं ड्राॅइंग को बिल्कुल बेसिक से बनाते हुए पूरा कम्प्लीट बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए मैं जाऊंगा वायर फ्रेम में, बट यहाँ पे अभी हमारा कौन सा टॉप प्लेन सिलेक्टेड है, मुझे इसको स्टार्टिंग टॉप प्लेन से नहीं करना, मुझे इसको स्टार्टिंग जो करना वो करना है फ्रंट प्लेन से। तो मैं यहाँ पे इसको फ्रंट एज ए फ्रंट प्लेन को एज ए मेन प्लेन सिलेक्शन कर लेता हूँ, और फिर मैं वायर फ्रेम में जा करके रेक्टेंगल लूँगा और यहाँ पर मैं जितना मुझे मैक्सिमम जो है विड्थ और हाइट देनी है वो वैल्यू इनपुट कर दूँगा। यहाँ पर इसकी जो मैक्सिमम है विड्थ वो है 111.5 डिवाइडेड बाई 2 और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो है -22.0। ओके, एंड नेक्स्ट जो चीज़ है मुझे जाना है ऑफसेट कमांड में और इस लाइन को यहाँ पे आगे की तरफ ऑफसेट कर दूंगा। अब इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, मुझे यहाँ पे एक जगह डायमेंशन दे रखा है 68.5 डिवाइडेड बाई 2। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये डिस्टेंस इतने डिस्टेंस पर ऑफसेट हो गया है। अब मुझे यहाँ पर एक पर्टिकुलर रेडियस दे रखी है जिसका जो रेडियस की वैल्यू है वो हमें दे रखा है R32 जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक है। तो इसके लिए मैं जाऊँगा आर्क एंड पॉइंट्स और यहाँ पे मैं वैल्यू इनपुट कर दूंगा रेडियस की 32.0 और मुझे फर्स्ट पॉइंट कौन सा रहेगा, मुझे फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा, सेकंड पॉइंट ये रहेगा और मैंने इसको सेलेक्ट किया। ओके, अब मैं फिर डिवाइड में जाऊँगा ट्रिम और मुझे जो भी अनवांटेड लाइंस है सारी की सारी मैं यहाँ पे इसे रिमूव कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मुझे जो सरफेस मॉडल क्रिएट करना है उसके लिए एक पाथ क्रिएट हो गया है। तो अब मैं स्टार्टिंग जो है बिल्कुल 0-0 से सरफेस मॉडल बनाना स्टार्ट करता हूँ। फिर मैं प्लेन को जो है वापस से टॉप व्यू में ले लेता हूँ। तो प्लेन में जो भी मेरा कंस्ट्रक्शन है WCS है सबको टॉप व्यू में मैंने ले लिया है। अब मैं जाऊँगा सरफेस के अंदर और रिवॉल्व कमांड को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम रिवॉल्व कमांड को सिलेक्शन करते हैं तो हमारे सामने एक नया विंडो ओपन होता है जिसमें हमें सिलेक्शन करनी है कि कौन सी चेन को आप रिवॉल्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मुझे चेन सिलेक्शन करनी है, अगर मैं कंप्लीट चेन से सिलेक्शन करता हूँ तो मेरी कंप्लीटली चेन सिलेक्टेड होती है। इसके लिए मुझे अभी यहाँ पर कौन सा पार्सल ऑप्शन यूज़ करना है और मुझे फर्स्ट ये चेन एंड देन सेकंड ये चेन, इन दोनों चेन्स को सिलेक्शन करके अब मुझे सेंटर का जो है कौन से एक्सिस के अलॉन्ग इसको रोटेट करना चाहते हैं क्योंकि मैं इसे पार्ट को रिवॉल्व कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग एंगल देना है कि आप कितने से कितने एंगल तक पार्ट को जो है हमारा उसको रोटेट करना चाहते हैं
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुझे यहाँ पे ड्राइंग में इस चीज़ की डिटेल ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, जो कि आप ड्राइंग से फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके लिए मैं जाऊँगा 270 माइनस 30 एंड जो एंड एंगल है वो हमारा रहेगा 270 प्लस 30 एंड नाउ मैं क्लिक करूँगा ओके पर और फिर मैं इसे टॉप कर लेता हूँ। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर लेवल फर्स्ट के अंदर प्रॉपर तरीके से जो मुझे सरफेस मॉडल क्रिएट करना था उस सरफेस मॉडल को प्रॉपरली क्रिएट कर लिया है। फिर मैं एक यहाँ पर नया लेवल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ पॉकेट। अब जैसे ही मैंने सेकंड लेवल सेलेक्ट किया तो मैं इसे फर्स्ट लेवल को वापस से हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे फिर वायर फ्रेम में आके सर्किल को क्लिक करके जो जो मुझे यहाँ पर रेडियस वैल्यू दे रखी है, मुझे यहाँ पर दो अलग अलग रेडियस वैल्यू में पार्ट साइज़ दे रखा है जिसमें फर्स्ट है 47.5, मैंने कहा ओके एंड फिर जो सेकंड है अंदर की रेडियस उसमें मैं फिर से ले लेता हूँ और अंदर की जो रेडियस है वो है हमारी 37.5 और मैंने कहा ओके। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे दो जो मुझे रेडियस रिक्वायरमेंट थी वो मैंने ले ली है। फिर मैं फिर से एक बार सेंटर में जाके सर्किल लूँगा और यहाँ पे एक लाइन स्ट्रेट लाइन खींच दूँगा और इसकी जो ओवरऑल लेंथ है जो हमारा आउटर डायमीटर का सर्किल है उतनी ही इसकी लेंथ मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ जिसकी लेंथ है ओवरऑल 47.5 और मैंने कहा ओके। फिर मैं इस चेन को सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ। अब मुझे इसको कितने डिग्री एंगल पर रोटेट करना है या इससे मुझे यहाँ पर जैसा हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ ड्राइंग में दे रखा है कि इसको 11 डिग्री एंगल पर रोटेट करना है तो मैंने यहाँ पर इसे 11 डिग्री एंगल पर रोटेट कर लिया है। फिर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा और मैं इस लाइन को इस तरफ अपोजिट साइड में भी मिरर कर लूँगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये लाइन इस तरफ पहले मैंने रोटेट की 11 डिग्री फिर इसको मिरर कर लिया तो इस तरफ भी इतने डिग्री पर जा करके मिरर हो गया है। सो नेक्स्ट वन ऑप्शन ये है कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे ऊपर के यहाँ पे जो रेडियस वैल्यू दे रखी है स्पेसिफिक तो यहाँ पर इस रेडियस वैल्यू को देने के लिए मैं फ्लिट में जाऊँगा। यहाँ पर ऊपर की तरफ जो रेडियस वैल्यू है वो है हमारी दे रखी यहाँ पर R6। तो इसके लिए मैं यहाँ पर R6 की दोनों जगह रेडियस वैल्यू इनपुट कर देता हूँ। देन यहाँ पे मुझे जो नीचे की तरफ रेडियस वैल्यू देनी है वो है हमारी 3.0 तो मैं यहाँ पे नीचे की तरफ इस तरफ और इस तरफ दोनों ही तरफ यहाँ पे मैं R3.0 की यहाँ पर रेडियस वैल्यू इनपुट कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने प्रॉपर तरीके से दोनों तरफ रेडियस वैल्यू इनपुट कर दी है। फिर मुझे क्या करना है इस ओवरऑल कम्प्लीट चेन को अंदर की तरफ ऑफसेट करना है। तो इसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है ऑफसेट चेन, मैं कम्प्लीटली चेन को सिलेक्शन करूँगा। जैसा मैंने इसको चेन को सिलेक्शन किया तो अभी मेरा सिलेक्शन मेथड पार्शियल में है तो वापस से मैं इसको डिसलेक्ट करके चेंज मेथड सिलेक्शन करके मैंने कहा ओके और इसको अंदर की तरफ ऑफसेट करना है। मैंने अंदर की तरफ क्लिक किया और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो मैंने दे दी 1 mm। अब मुझे इस कंप्लीट चेन को सिलेक्शन करना है और फिर मैं क्या करता हूँ इसको नीचे की तरफ ट्रांसलेट कर लेता हूँ। बट अगर आप इसको ट्रांसलेट करके इन दैट केस पार्ट को बनाने के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पर मेरा प्रॉपर तरीके से पार्ट क्रिएट नहीं होगा। तो ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ, मैं लूँगा लाइन कमांड और यहाँ पे एक लाइन खींच लूँगा सीधी की सीधी। फिर मैं जाऊँगा डिवाइड ब्रेक और इन दोनों ही लाइंस को यहाँ पे यहाँ इस जगह से ब्रेक कर लूँगा और इस लाइन को मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप यहाँ पर मैंने इस दोनों ही लाइन्स को यहाँ पर प्रॉपरली ब्रेक कर दिया है। फिर मैं यहाँ पर नीचे की तरफ जो अंदर नीचे की अंदर की लाइन है उसे सिलेक्शन करूँगा। मैं जाऊँगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट और मैं इसे मूव करूँगा टोटल जिसकी जेड कितना एम एम है -19.0 और मैंने कहा ओके और मैंने बोल दिया ठीक है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने इसे 19.0 mm तक इसको नीचे की तरफ मूव कर दिया है। फिर मैं लेवल कमांड में जा करके या फिर कहूँ कि मैं लेवल यहाँ पर मैं लेवल कमांड में जाऊँगा और ये जो मेरे लाइन चेन दिख रही है मैं इसे इस पोर्शन के ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने इस चेन को सिलेक्शन किया, प्रोजेक्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने सरफेस सिलेक्शन करके इस सरफेस को सिलेक्शन करके ओके। तो आप जैसा देख पा रहे हैं ये ऑटोमेटिकली चेंज जो है मेरी इस पॉइंट से इस सरफेस मॉडल पे ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट हो गई है। अब मैं इस कंप्लीट चेन को सिलेक्शन करूँगा, नीचे ही कंप्लीट चेन को सिलेक्शन करूँगा और मैं एक बार अल्ट ई प्रेस कर लेता हूँ। तो जैसा आप देख पा रहे हैं उसके बाद मुझे क्या करना है यहाँ पर सरफेस मॉडल में एक कमांड रहता है हमारा जिसे हम लॉफ्ट के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पर लॉफ्ट में आकर के मैं विंडो सिलेक्शन करूँगा। कम्प्लीटली सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जहाँ मैंने इस पॉइंट को ब्रेक किया है वो जगह सिलेक्शन करके मैं ओके पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने आप देख पा रहे हैं ओके पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा चेन टाइप का पोर्शन यहाँ पे दोनों चेन्स को मिलाने वाली एक सरफेस पार्ट क्रिएट हो गया है। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, नीचे की जो पोर्स फाइल है इसको मुझे यहाँ पर नीचे की जो है यहाँ पर भी एक सर्फेस पार्ट क्रिएट करना है। तो इसके लिए मैं सर्फेस मॉडल में जाऊँगा और यहाँ पर फिर से ऑप्शन रहता है फ्लैट बाउंड्री और यहाँ पर मैं फिर
फ्लैट बाउंड्री करने के बाद अब हमें सिलेक्शन करनी है नीचे की चेन। तो मैं यहाँ पर चेन को सिलेक्शन किया और मैंने बोला ओके। तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने फ्लैट बाउंड्री जो नीचे की है उसको सिलेक्शन कर लिया है, क्लिक कर लिया है। साइड में जो वॉल एरिया उसको क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, यहाँ पे कॉर्नर्स में फ्लिट दे रखा 1.5 का। तो इसके लिए मुझे कॉर्नर में फ्लिट क्रिएट करने के लिए मुझे जाना फ्लिट टू सरफेस। इस सरफेस को सिलेक्ट किया, नीचे की सरफेस को सिलेक्ट किया, ओके। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरी 1.5 mm जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियसली जो रेडियस वैल्यू इनपुट कर रखी है वो रेडियस वैल्यू यहाँ पे इनपुट हो गई है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर जो जो मुझे सरफेस मॉडल में रिक्वायरमेंट था पॉकेट के रिगार्डिंग सारा का सारा यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे जैसा आप पॉकेट देख रहे हैं मैं इस पार्ट पॉइंट पोर्शन को यहाँ से ओपन करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्लिक करूँगा ट्रिम टू कर्व, सिलेक्ट करूँगा ये सरफेस और सिलेक्शन कर लूँगा ये कर्व। मैंने कहा ओके, और मुझे बाहर की तरफ वाले मॉडल को रखना है, अंदर की तरफ वाले मॉडल को डिलीट कर देना। तो मैंने बाहर की तरफ एरो को क्लिक करके ओके पर क्लिक किया। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे जो जो मुझे रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सरफेस मॉडल अपना क्रिएट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या समझने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम ये बात समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे जो आपको पोर्शन दे रखा है यहाँ पे मुझे रेडियस वैल्यू क्रिएट करनी है, इसे आप प्रॉपर तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इसे क्रिएट करने के लिए फिर से मैं जाऊँगा यहाँ पे एक नया लेवल क्रिएट कर लेता हूँ और मैंने बोल दिया 3 नंबर लेवल, और मैंने उसके बाद दे दिया साइड रेडियस। 3D को 2D में कीजिए और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे आप जाइए Z, और यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट को एज ए Z सिलेक्शन कर लीजिए। फिर मैं अगर यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हैं मैं अगर लाइन सिलेक्शन करूँगा तो जो लाइन क्रिएट होगी वो ओनली जा करके Z में -22 mm पर ही क्रिएट होगी। मैंने यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर ली है। यहाँ पे जो इसकी ओवरऑल लेंथ है वो है हमारी, इस लाइन की जो ओवरऑल लेंथ है वो है हमारी 47.5 ना होकर के जो ओवरऑल मेरा पार्ट की लेंथ है वो रहेगा 101.5/2। और इसके लिए अगर मैं बात करूँ एंगल की तो इसके लिए जो ओवरऑल एंगल रहेगा 270 ना रह करके 280, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ मुझे ड्राइंग में एंगल इसका दे रखा है 280। तो यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं मैंने ऑटोमेटिकली यहाँ पे लाइन क्रिएट कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे ये जो मैंने चेन सिलेक्शन की है मुझे इसको रोटेट कर लेना है। अब इसको कितने डिग्री एंगल पर मुझे रोटेट करना है, यहाँ पर इसको रोटेट करने का जो स्पेसिफिक एंगल है वो हमें दे रखा है यहाँ पर 40 डिग्री। तो मैं इसे मूव ना करके 40 डिग्री पर कॉपी कर लेता हूँ और फिर इन दोनों के बीच में मुझे एक और लाइन क्रिएट करनी है। तो इसके लिए फिर से मैं लाइन को सिलेक्ट करके फिर रोटेट करूँगा और मैंने लिख दिया -20.0 और मैंने कहा ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, यहाँ पे दोनों लाइंस के बीच में क्योंकि यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली एक रेडियस है तो उसको क्रिएट करने के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पर फिर से आर्क एंड पॉइंट्स और यहाँ पर मैं रेडियस वैल्यू इनपुट करूँगा जिसकी रेडियस वैल्यू है 50.75 और मैंने कहा ओके। मुझे फर्स्ट पॉइंट ये सिलेक्शन करना है, सेकंड पॉइंट ये सिलेक्शन करना है, मैंने कहा अंदर की रेडियस रखना है ओके। फिर मैं जाऊंगा डिवाइड, जो भी मुझे अनवांटेड लाइन्स है उसे मैं यहाँ पे ट्रिम कर लूँगा। मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, ये लाइन नहीं चाहिए, मुझे 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 ये भी लाइन नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, या फिर मैं इनको एक साथ सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर टॉप व्यू फिर से सिलेक्शन कर लेता हूँ। फिर मैं मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि यहाँ पे सरफेस पार्ट में जा करके मुझे यहाँ पे एक ड्राफ्ट सरफेस क्रिएट करनी है क्योंकि मुझे इस लाइन के लिए प्रॉपरली ड्राफ्ट एंगल देर का 5 डिग्री। तो मैं जाऊँगा फिर से ड्राफ्ट में, इस चेन को सिलेक्शन करूँगा, मैं बोलूँगा ओके और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो गिवन एंगल दे रखा प्रीवियसली 5 डिग्री वो गिवन एंगल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक सरफेस मॉडल सरफेस एरिया क्रिएट कर लिया है। फिर नेक्स्ट वन स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे अब जो मुझे अनवांटेड सरफेस है उसको मुझे रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए मैं जाऊंगा ट्रिम टू सरफेस, सेलेक्ट करूंगा फर्स्ट ये सरफेस, सेकंड ये सरफेस। अब मुझे इस सरफेस में कौन सा पोर्शन रखना है, मुझे इस सरफेस में नीचे का पोर्शन रखना है। इस सरफेस में कौन सा पोर्शन रखना है, ये पोर्शन रखना है। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरी जो सरफेस है वो यहाँ पर रिमूव हो गई है। फिर मैं इसमें टॉप मॉडल ले लेता हूँ, फिर मैं इस चेन को सरफेस को सिलेक्शन करूँगा और फिर मुझे यहाँ पे मिरर करना है। तो यहाँ से इस सरफेस, ये जो सरफेस है वो इस तरफ से मिरर होकर इस तरफ क्रिएट हो गई है। फिर मैं जा करके रिकलर, फिर मैं इस सरफेस को हेल्प से यहाँ का जो अनवांटेड पोर्शन है या जिसे मैं ट्रिम करना चाहूँ उसे मैं ट्रिम कर सकता हूँ। तो फिर से मैं जाऊँगा सेम कमांड ट्रिम टू सरफेस, मैं सरफेस ये सिलेक्शन करूँगा, नीचे की जो सरफेस है इसे सिलेक्शन करूँगा। इस सरफेस में मुझे कौन सा चाहिए, मैंने कहा ये चाहिए नीचे की सरफेस में, नीचे का। तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली मेरा जो कंप्लीट पार्ट है वो यहाँ पर रिमूव हो गया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है जिसमें मुझे क्या करना है, जो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं
अब यहाँ पे मुझे नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो मैंने एक पोर्शन सरफेस मॉडल का क्रिएट कर लिया है बट ऐसी की ऐसी सेम छः नंबर ऑफ स्लाइसेस हैं, तो इसके लिए मैं कम्प्लीटली सरफेस मॉडल को एक ही क्लिक में सेलेक्ट कर लूँगा। और सेलेक्ट होने के बाद फिर मुझे जाना है रोटेट कमांड में, और रोटेट कमांड में जाने के बाद मुझे यहाँ पे इसके नंबर ऑफ रोटेशन देने के लिए 6 नंबर ऑफ पार्ट है, तो मैंने बोला 360 डिवाइडेड बाई 6, और इसके जो नंबर्स है वो मैंने यहाँ पे बढ़ाते हुए बोल दिया कि जो 5 नंबर्स चाहिए, मैंने कहा क्लियर कलर। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने सबसे पहले एक सरफेस पार्ट को क्रिएट किया और उनकी मदद से उन्हें रिवॉल्व करके या कहूँ कि रोटेट करके मैंने कम्प्लीटली मेरा सॉलिड पार्ट जो था मुझे एज पर रिक्वायरमेंट मैंने कम्प्लीटली वैसा का वैसा सॉलिड पार्ट क्रिएट कर लिया है। सो आई विश कि मैंने जो जो चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच, बी कनेक्टेड एंड अपडेटेड फॉर द मोर वीडियोज़। थैंक यू।